जय जगन्नाथ। बादीपाला मंच को मोर माँ और भौणी मान को स्वागत करुच्छे। बहु काल धरी प्रार्थना मंच को आपण माने पृष्ठपोषकता कर उपभोग कर स्वागत एवं तद्वारा आम मान उत्साहित कर प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना करुँ आपर मंगल हो एवं से प्रभु जगन्नाथ जी पाला एक आनुष्ठानिक विषय धर्मियों विषय जो थे सत्यनारायण रूप से पूजा पाती एवं से चामर हूँ प्रतीक से चामर आपण मथारे रो मोर भाई और माँ मान पाखे मंगल हो। आज विषय वस्तु है भारदा चरित एथरे अंशग्रहण कर श्रीकांत राउतराय गायक नमस्कार एवं तांक सहित कांध देई बादीपालारे बा गदा युद्ध करिया पई प्रस्तुत होती श्री वीरकिशोर मिश्र। आज्ञा नमस्कार। जय जगन्नाथ। यही जो भारदा चरित विभिन्न चरित को पुराण आमर महाभारत विभिन्न चरित को आमर पुराण महाभारत ये जेपोली समुद्र जुआर उठे जुआर उठे ये चरित माने आसी आम पाखरे नाटकीय भाव उपस्थित होती नाना खेला करुंतर भल मंद आम आखि आगे दृश्यपटे पड़ुच कौन से कहते से माने आचरण द्वारा तांकर चरित्र द्वारा आम मान आगे मोहनीय बा निंदनीय हेबे तेणु वर्तमान यही भारदा चरित्र कौन मेसेज दब कौन बार्ता दब समाज में कहीं समाज अधपतन होपण मैंने देखिए एवं ये अधपतन दूरीकरण पर आम कौन करवा आड़े उपभोग करवा निश्चय गायक मैंने अभिज्ञ से गान करें जता संभव आपण मनोरंजन करने को चेष्टा करेंगे। बर्तमान आरंभ कर श्री श्रीकांत राउतराय जगन्नाथ स्वामी की विश्वव्यापक श्रीमन श्री सत्यनारायण देवंकर प्रीति अर्थी झंकड़वासिनी शारदा देवींकर प्रीति अर्थी माँ कृतम चंडींकर प्रीति अर्थी सर्वी बोल मन आनंद एक बार हरि हरि बोल पवित्र अनुष्ठान प्रार्थना चैनल समस्त कर्मकर्ता बाबू मान विचारक महोदय रजत कुमार महोदय उभय पक्ष कलाकार बाबू मान ये ओडिशार समस्त दर्शक दर्शिका आबाल वृद्ध वनिता कॉलेज रे पाठ पढ़ुवा समस्त पुओ झीकर महाप्रभु सत्यनारायण मन भीष्ट पूर्ण करातु आद्याशक्ति करुणा दृष्टि चाह था समस्त शरीर आरोग्य रु समस्ते आनंद कालातिपात करतु सर्वे भोल मन आनंद एक बार हरिहरि विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम गणेश नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते मालो झंकड़े तू सदा वास हे मां सिंह वाहिनी सारे मम कंठे निवास हाय हा
हे महावाक्य देवी लिखिले अव्यक्त दिन भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निधन नहीं तत्र का परिवेदन जेऊ विश्व नियंता अव्यक्त को व्यक्त करी पारंती सूक्ष्म को स्थूल करी पारंती सविकल्प को जे निर्विकल्प करी पारंती जे आदि रु अनादि हेई पारंती जे पंच महाभूत को सृष्टि करी पारंती से आउ केहि नुहे से परम ब्रह्म स्थूल रूप रे रत्न सिंहासन रे पुरी क्षेत्र रे विद्यमान से जगतर जगन्नाथ मोर आबाल वृद्ध बनितांकर उड़ीसार अगणित दर्शक दर्शिका एवं उक्त आनंद उच्च प्रार्थना चैनल रो समस्त कर्मकर्ता बाबू मान समीक्षक महोदय डॉक्टर रजत कुमार महोदय समस्त रिष्ट खनन करंतु ये उड़ीसा हसी उठु सर्वे बोल मन आनंद कबा मन धीरे घेन श्री कृष्ण नाम मन धीरे घेन जगतसिंहपुर जिलार दाऊ दाऊ होई चलुथिबा प्रदीप स्वरूप साहु घर पुआ नटवर साहु आज्ञा यही निकट रे तांकर बसती इच्छापुर तांकर घर सुंदर भाव भगवान कर प्रति पदटी से रचना कर मन धीरे घेन श्री कृष्ण नाम जय जगन्नाथ हे करुणा सागर मन धीरे घेना झंकड़ सरला मल करुणा करिबु मन ए पुआ ये हूँ बाद पाला एने मो पक्ष किए ना वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ए बापा से तो मिश्र पुओ मु जाति रे हूँ क्षत्रिय आज ब्राह्मण क्षत्रिय पाला हेब ऋग्वेद कहे ब्रह्मनेश मुखमासी बहु राज्य भव तत्वस्यांग शूद्र जाय श्रीजुक्त वीरकिशोर मिश्र आज्ञा से हेउछंती वर्णश्रेष्ठ ब्राह्मण तांको पाद तले ये क्षत्रिय पुअर मुंड सदा सर्वदा नईं पड़ब हेले क्षत्रिय पु पार्श्व पार्श्व रहिबो ब्राह्मणर पार्श्व पार्श्व आज आलोचना करिबा आमर दत्त विषय वस्तु हेउछि भारदा चरित महाभारत उद्योग पर्व यही पर्व को लक्ष्य कर आज्ञा मु आगे जाऊँ समय प्रभात समय ए पु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कव्य है वैदेश्य विलास सुंदर भाव रचना करे बासवती भ्रम कर बासवती भ्रम कर व्यंजन कला रक्त पिंड ए
सवितार दिशी आसिला किरे बिंब सवितार दिशी आसिला बाते शीत कर्ण पुणी टीला हो बाते शीत कर्ण पुणी टीला बाते शीत कर्ण बाते शीत कर्ण सम्राट भंजंकर मत आज्ञा ये राति पाहु नाई इंद्रंकर वाहन हूँ ऐरावत ऐरावत स्त्री हेला अभ्रमु अभ्रमु नामिनी गोटा सुंदर हस्तिनी से आज्ञा कौन करी ना संतान प्रसव करी से संतान केमिति किया आज्ञा रक्ताक्त गोलाकार गोटे मांस पिंड याकु लक्ष्य करी जातिर गौरव ओडिया परंपरा ओडिया भाषा ओडिया साहित्य ओडिया परंपरा को आज्ञा बंचे रखिबा पाई हजारीबाग जेल रु फेरी आसी राधानाथ बहादुर भंजंकर पाद तले नमस्कार टे कहि देले कले ठाकुर आपण हेउछंती सम्राट आपण सहित कौनसी कवि मुंड टेकी पारिबो नाही ठाकुर हेले गोटे कथा मु मन चाहूँ टी ये रक्ताक्त गोलाकार पिंड को लक्ष्य कर मन चाहूँ गोटाए पद लिखा काव्य नाम है बेणी संहार सुंदर भाव रचना कले पुओ प्रभातिला विभाव हरी हसिला उज्ज्वल प्रभातिला विभावरी विभावरी कहले रात्रि रात्रिटा आज्ञा पही जाऊ तेणे भगवान विरंची नारायण सूर्यदेव आज हस्तिनी संतान भाव सुंदर रक्ताक्त गोलाकार रूप को धारण कर आज्ञा उदय लक्ष्य कर ये जगतसिंहपुर जिलार पु आज्ञा छोटिया पु नुह जगतसिंहपुर जिलार मौड़मणि ए पु से किए बैश मौजार घर नाटी हूँ आपणकर सुंदर उपाधि पाई वैष्णव कवि भ्रमर बर्रा राय राय पुओं जाति पुओं छाड़बे कि ए पुओ से लिखिले ये उदय हो ये किए ना ये जने राजा आसुंच प्रजा मानकर दुख बुझा ए पुओ ये प्रभात नृपति विजय मोही की छत्र कूटे की ये प्रभाकर रंग छत्र कूटे की देवाल शब्द बाजना बाजे राजा विजे वार्ता भाष राजा विजे वार्ता भाष ये ढगरा का कहिला सब को ये नृपति निकटे आस जे नृपति आज्ञा मोर समस्त शत्रुवर्ग समस्त ओडिया जाति आपण माने टिके ये साहित्य को घेना करंतु आज जो प्रयास नै छंती प्रार्थना चैनल ये साहित्य डूबी जाउथिबा साहित्य आगु उज्जीवन करा गला कथा हेउछि कोन कि आज्ञा प्रभात समय धर्मराज युधिष्ठिर मन दुखरे बसिछन आसी पहुंची गला सहदेव हाथ जोड़ी प्रणाम कला बड़ भाई को सान भाई प्रणाम करवा उचित आज्ञा आम शास्त्र कहुची आजिकाली समाज आजिकाली समाज आज्ञा कौन कला ना बड़ भाई को सम्मान देउनी
बड़ भाई कथा मानुनि समाज टी उशृंखल होगा जाऊँ कहीं ना ये समाज वर्तमान पुणी पछक फेरी आसिले पुणी शास्त्र पर दखल आसला बड़ भाई को सान भाई प्रणाम कर श्रद्धार बड़ भाई सान भाई को बाबू शब्द उच्चारण करे अरे हे बाबू किमती क्या सुंदर शब्द बाबू ए पुओ से हाथ जोड़ी देला जी सहदेव कहला भाई भाई कहीं आपण मन दुख बस कौन है धर्मराज युधिष्ठिर कौन है बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर दे सहदेव ये आगत भविष्य वर्तमान तीन काल कथा तू जान हेले गोटाए कथा मत कहलु देखी आसंता महासमर रण जे हो सहदेव अरे विजयर ध्वजाटा अर्थात महाभारत युद्ध रे किए जितिब किए हारिब एथि पई मु द्वंद्वरे पड़ी जाइछि क्षेत्र बंटा गला पूर्व भाग रहिले पांडव पश्चिम भाग रहिले कौरव एथि गोटाए प्रश्न मो भाईना को देबी ना इरे भाग को भाई की भाग नाही कि भाईना को प्रश्न टा न देले केमिदि हबो भाईना जोठी युद्ध हेउथिला ता ना थिला हमर गीता कहुछि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुस्सवः मामक पांडवाश्चैवः किमकुर्वतः संग्रामः ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आज्ञा नामकरण करागला क्षेत्र गोटे धर्म हले किए ना पांडव पांडव मानक मध्यरे श्रेष्ठ हेउछि धर्मराज युधिष्ठिर तेणे कौरव मध्यरे श्रेष्ठ हला दुर्योधन उभयंकर नाम को नेई सुंदर क्षेत्र टी जोटा कर निर्माण करा जाइछि या नामकरण दिया गला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ए पुओ ये कुरुक्षेत्र द्रोघ्य प्रस्त्य कहिब बुझाई कहिब बुझाई भाईना तुम्हको मुहि छाड़ी भेटी नाही ए पुओ मोर भाईना को प्रश्न रहिला आज्ञा माने साधु संत ज्ञानी गुणी पंडित सुंदर भाव प्रश्न टेक मु कहि दउछि महाभारत युद्ध हेउथिबा जे क्षेत्र से क्षेत्र को आज्ञा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोली कुहा गला उभयंकर नाम को नेई क्षेत्र बंटा गला दुई भाग करा गला किंतु से क्षेत्र टी रो द्रव्य केते प्रस्त केते ये प्रश्न रो उत्तर मो भाईना देबे आगो कि जिबारे पुओ ए सहदेव को जतबेले कहि देले धर्मराज युधिष्ठिर कहले अरे कौन करवा कह भाई ये विपद मु पड़ी किए जितब किए हार सहदेव उत्तर दला कहला हे भाई आपन यही चिंता करीम भाई को डकाओ भीमसेना आज्ञा पहुंची गले हाथ जोड़ी प्रणाम कले भीम नमस्कार कला सहदेव नमस्कार कला बड़ भाई कहीदेला भीमसेन को सहदेव सान भाई टा कौन कह शुणु आज्ञा ये बेले सहदेव हाथ जोड़ी भीम को डरी डरी कहला कहला कहीं ना भय कै भीम को काले मत द्विविधा पक काले मते माड दब कहला भाई हे मझिया भाई गोटे काम कल हे सुना सुना तमे सीधा सड़क ये पश्चिम दिग को ये दक्षिण दिग को जीव दक्षिण दिग को जाई देखिबो गोटे कुलुकुलु नाद कर बही जाऊँ सुंदर नदी टी हला से नदी टी अतीब सुंदर से नदी निकट को जीव तारे पार्श्वरे अच्छी कौन ना दुंदुबी राक्षस को बाली जत विनाश कला तार समस्त अस्थि पड़ी से पर्वत निकट ए पु नदी टी अतीब सुंदर आज्ञा प्रमाण क्षेत्र को जीवा बारेड़िया भ्रमर बरा गोटे पथ दे पु अलंकार कौन पाला पु पद टी आसुची नदी वर्णना चली पु इरा कुलु कुलु बैतरणी नामे ये बही जाऊ थिला तटी ये बही जाऊ थिला तटी बही जाऊ थिला तटी ये धरणी
चिकण से पुणीबे अरे तोही के आउ से तो हंस पंती कुसुमा अरे तोही के किरे से तो हंस बापा धीरे 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 नित्यानंद बाबू तेरे घटना हला कौन आज्ञा नदी रो शोभा वर्णना चली नदी टा अतीब सुंदर ए भाई से नदी निकट को जीव गोटे सुंदर पहाड़ अच्छी पहाड़ टीर ना हूँ धवली पहाड़ से पहाड़ रो निम्न देश रे सुंदर उवास टी अच्छी से उवास भितर पति पत्नी दुई जन आनंद रुहंती एबे आनंद निज दुख भाभी पुणी सुखे दिन निंती पत्नी दुई जन अच्छा आज्ञा से वास भीतर ए मझिया भाई मो कथा सुनुटी शुभुटी से तमें जीव ताकू जदि तमें आनी पार से आगत भविष्य वर्तमान तीन काल कथा कह आज्ञा भीमसेन जो एक कथा शुणिला बड़ भाई को हाथ जोड़ी देला कहला भाईना आउ ये सहदेव कौच मुझी ना हे भीम ये भोलिया सुजोग कौन कई छाड़ती तू आसवा पर्यत मु चाहली तू जेत बड़े आसबू मुत जा ग्रास कर अर्थात भोजन कर तू न फेर पर्यत ये मुवास रमि रही रे नील कंदर रे देख तीनोटी कही नील कंदर रे देख तीनोटी कही आज्ञा बड़ी धवल सनटी पचल मझीरे सुंदरी हलदी मुई नील कंदर रे देख तीनोटी कही नील कंदर रे सुनु थिले मोर गुणी जन दे मन कन जादी पद कथा पुणी पुराण हठि जान आज्ञा भाई आदेश पाई भीमसेन बेगी बेगी गला ये प्रतरणी नदी निकटे प्रवेश होइला आज्ञा बैतरणी निकट रही पहुंची गला केसना भीमसेन भीमसेन चतुर्पार्श्व को चाहिला सान भाईटा चगलिया भाईटा छोट भाईटा से कही कथा कौन सत तेणु ये सत कि मिछ बुझापी से कौन कला ना बैतरणी नदी तट देश ढाई आज्ञा कुराल चक्र भाई आखि बुलेला कुराल चक्र भाई आज्ञा देखीदेला धवली पर्वत दाऊ दाऊ हो सुंदर भाव शोभा पाउछि धवली पर्वत लक्ष्य पड़गला भीमसेन भीमसेन से स्थान पहुंची ये थाक छाड़ी मो भाईना आसवे यू थाक आरंभ करेंगे बाउला चाउला कर गोलिया मोड़िया पाला मो पाखे चलन सीधा थाक धरव थाक तुम्हें जे पर्यत ना कथ नि विदाय ना यू भाई मन चल एथर श्री क्षेत्र भैया मन चल एथर श्री क्षेत्र
भारदा चरित शीर्षक बादीपाला प्रथम भागर प्रथम अंश बर्तमान सरुचे आमर सारला दास कवि से महाभारत को संस्कृत महाभारत को पूरापूरी अनुसरण नक केते गुड़ा विषय को विषय ठीक रखी चमत्कार भाव में कल्पना सब खंजिंट महाभारत युद्ध पूर्वर युद्ध कौन हम युधिष्ठिर चाहते एटा कौन संस्कृत महाभारत अच्छी कि ना कहीं हम युद्ध हो जा हम कि सारा दास धर्ज रही तो गोटे जुटीचे लोक चरित्र सहदेव जहाँ पचार से कह उपदेश देदेव बाबू भीमसेन सारा दास चरित्र सब कथा से करें एवं जहाँ हम सब ओडिशा रे हो तेणु बर्तमान बैतरणी की से आसने बैतरणी पाक आसिक देखिले बैतरणी पास रखिकी दुईट लोक अच्छा जहाँ को कहुई उठेक ने कौन करेंगे द्वितीय पाला गायक आम मिश्र बाबू आसिले आमको कहे केमी उठे ने से महाभारत युद्ध किए जित किए हार से कहे बर्तमान मंच अधिकारी अच्छा श्री वीरकिशोर मिश्र भीम आसी पहुँच गलि बैतरणी कूल में बैतरणी कूल से गोटे स्वामी स्त्री ताक उठेक ने जो मैंने जाक्षेत्र पहुँचे सब सारा दास अद्भुत परिकल्पना कहबे अपूर्व परिकल्पना सहदेव कही तेणु से मैंने जाए किए जित आम शुणा गायक प्रिय सजनी ये करमटा मोर पड़ालो ए हे ए शालग्राम बोली जाकु पूजुथिलि शालग्राम बोली जाकु पूजुथिलि निपट कारिया ओडालो प्रिय सजनी सर्जन विदग्ध श्रोता मंडली भावुली ये शालग्राम ठाकुर ये मो सान भाई श्रीकांत बाबू सुद बालीगरड़ा बालीगरड़ा पर चंदन दवा जहा ये आंकू डाक पाला गाइबा से क्षत्रिय ब्राह्मण तुम संस्कृत पाठ पढ़ल पाठ पढ़ल गीता बही देख ल समदम तप शौच शांति राजव मेव च ज्ञान विज्ञान मास्तक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव जह ए ज्येष्ठ भ्रात समपिता जेहेतु मत बड़ भाईर सम्मान दौच तुम्हें मोर सानुज पुत्र सन्मत किंतु शुण पाला शिख भगवत गीता अष्टाध्यार बयालीस नंबर श्लोक देख आगुरु बापा को न चिन्ह की मऊसा को डाकिल ढिंकी शाण देखना ढेकाना कथा कहल नख बाल रखी भालू की अन्य आज्ञा कहूना मो ओडिशा रो भाई भौनी वृंद मो बापा माने मो मा माने समस्ते सुन मो भाई की मु कहूछि मो भाई रही मो सहित बाध तेणु तेणु मन रख पाला केमी जुए तमें प्रश्न रखीच तम उत्तर दे दबा तम विषय को तमरी आगे थोई दबा ये कौन कहिल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुष्टव नाम कहा पांडवा शैव किमं अकुर्वत संजय अकुर्वत संजय कुरुक्षेत्र से हौचि ये तपति संबरण पुओ सूर्य को झी तपति संबरण को विवाह करितिला ता थारु पुओ जन्मला कुरु से पोताई थिबारु से स्थान रे कुरुक्षेत्र बोली नाम हैला ये गला प्रथम कथा बार जून लंब प्रस्त भागवत कहले जगन्नाथ दास कौन लिखिले कहते तेणु बार जून
एकरु एकरे पचासटा सुन दब डाणे जी से लंब प्रस्त समान पाइल तुम प्रश्न आ तुम पे गोटे प्रश्न रखा टिके तुम विषय को नहीं जावा तुमरी कथा तुम पाखे थोदबा गोटे कथार अच्छी कौन कह खजीरी गचर किगुण गायबी मूल रू पहाच पहाच भीम चली आज्ञा गोटे झी को अलंक आज्ञा मान जदि भल सार्ट खंड दबा भल अलंकार साजीव कि प्रार्थना चाहे सारा ओडिशा ओडिशा बाहर देखुची नना पुआ किपा लगाऊ आई मस कहानी जिते शेष हम चली भीम भीम चली समय ग्रीष्म समय ग्रीष्म समय तुम पदे आहारी बोली आसे ना दिन कृष्ण आस रसकल बईटा ना रसकल ग्रीष्म समय रे भाई रो आज्ञा को पालन करी सान भाई भीम युधिष्ठिर कथा को सुनी आज बाहरी आगो देख जीवाटा के क्रमे सूर्यंकर रश्मि शसागर धरित्री भूमरे पड़ीला बेले ज्येष्ठ भाता बड़ भाई कथा को मानी द्वितीय पांडव भीम आसुची कौ जगार तम से कथा तो कहीना जी मन ना तम एत समय बस लगे पचार हस्तिना आज दिल्ली राज सिंह आसन हस्तिना आसला कौटी कला उत्तल प्रवेश जय जगन्नाथ विरजा क्षेत्र रे मिलिले आज्ञा माने लक्ष्य देवे मो पुओ माने भल कि सुन आज भीमर केते गुण अच्छी अच्छे अच्छे भीम आसला ये दिल्ली जो हस्ती आज दिल्ली सिंहासन ये ओडिशा को आसला बाट केते दिल्ली लु ओडिशा केते किलोमीटर तुम प्रश्न उत्तर पाइल तुम्हें आसी कह हस्तिना ठारु उत्कल पर्यंत केते किलोमीटर भीम तत्सहित भीम को आसा को केते समय लगी मो सान भाई रहिला कथा कहे आुणे गुणी कजन न्याय मान सहजे ब्राह्मण पूजा आगू को करे मजा सहजरे अधा देल अधारे कुदी होइल येणु पदे सेणु पदे तेणु आज भीम आसी पहुंची जाइए आसला बेले देखला एक सुंदर जंगल उपर लक्ष्य पड़ी से जंगल उपर कौन देखुची गोटे पद मोर पितृ मोर जनक श्रीजुक्त बांछानिनी मिश्र जो पद आज ये प्रार्थना चैनल मंच रे हजार हजार गायक बोली नथिबे कला मंद मंद गंध बहसे बने बहे नीरत बने बहे नीरत बने नीरत मंद
सुत बसी चंदन रुखे गाउछी दो स्थान भीम पहुंची चंदन उत्सव पर कोईली कुहकु नाद गीत बोलू कहला कुरंग तुरंग मातंग घेनी कुरंग तुरंग मातंग घेनी प्रणाम करवनी भीम को जो बाघ बालू इत्यादि देखुंत प्रणाम कर चली भीमर एत बल किंतु आस पहुंची गला देखला कौन सुंदर कुटीर टी से कुटी विषय मोर रही बाबू छाड़ी कुटीर मत देखुची कौन देख ला गोटे भल झी झी तो नुह मुंड रही सिंदूर से सिंदूर टा पांच जगह मरा जा गोटे मुंड गोटे काच गोटे कंठे आ गोटे सीमंत आ गोटे का सिंदूर धरी कहारी पाखरे देई पारुने आ रूप केमिति आइछि सुंदर रूप गोटे कहबी तार भीम देखिला से स्वामी स्त्री भितर स्त्री रूप को देखुछि स्त्री रूप टा केमिति आइछि सुन रसिके नब जाउ बनी होई बनी ता मंडिला ओ बनी होई बनी ता मंडिला कवि सम्राट उपेन्द्र नवंद रेखा तुम जग सिंह जग सिंह कवि ना कहना कह झी का पांच मंदर कुच बढ़ कि बुढ़ी न मलि सुंदर नायिका तार उरज पद्म दुईटा एभली मंदर पर्वत भय कर लुचि जाजिया पाँच एभली सुंदर कवि कल्पना तार रूप को देखी भीमा भावुची ये नायिकार स्वामी किए सहदेव कही स्थान स्वामी स्त्री ये स्त्री हुए स्वामी किए से स्वामी टी लक्ष्य पड़ा बापा स्वामी को लक्ष्य पड़ा कि मोर बाद गायक मो सान भाई श्रीकांत बाबू को चाहे आउ टिके सुंदर टिके सुंदर केमी देखा जाला कुशित रूप मस्तक सुभ्रता केश धला पड़ी गला तेल मरा आईनी शह दिन खंड हम गोड़ पाद आंगुठी गुड़ाक सब छाड़ छाड़ दी आंगु से कला बर्ण कि धला बर्ण कि श्यामल जानवन एत मलि बसी चुटी कार्बाटी तेनाली कौन बसी गोटे जगार मौन अवतार किंतु भीम कड़ देखिला कह तार स्वामी हब कि भावुची समय का अपेक्षा विराम गति चली आपण मानकर कवि मो सान भाई श्रीकांत बाबू ए जगत सिंह जिला भ्रमर राय लेखा बोलूले बारिड़िया भ्रमर राय सी कहीं कह नना बोलिए ना मुझे नना शिखि ना कि बारिड़िया भ्रमर राय लक्ष्य पड़ी भीम देखुची समय संध्या गुण गुणवंत सर दृश्य अति रहस्य पूर्ण अति रहस्य दुध जांगलिक होई मार तंड नमस्कार धन गणी नहीं से गगन बारिधि भावरी पति गले अमेरिका धाई
ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। କବି ଭ୍ରମର ଆୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସାପୁଆ କେଳା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେଳା, କେଳାର ସାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କେଳା ହେଲେ କିରଣ ହେଲା ସର୍ପ। ଖେଳା ଖେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ପେଟି ଅଛି, ଆକାଶ ହେଲା ପେଟି, ସର୍ଟକଟରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଖେଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧନ ନିଏ। ଆମେ ଆମ କର ମହୋଦୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଅବନାକ୍ଷର ରଜତ କର ଆକାରିକା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶରତ କର। ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର। କଲା କର ଧର ପୁଣି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରମଣ ବେଦରେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ କଥାଟେ, ଆମେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ମିଶ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମବେଦ, ଆମର ହଉଛି ଧର ଶର୍ମଣ, ରଜତ କର ଶର୍ମଣ, କର ଶର୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେବ ଶର୍ମଣ। ତେଣୁ ଆଜି ବିମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ତାର ବସିଛି ବସିଛି, ବସିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରତାପ, ଠିକ ତୋରି ଭଳିଆ ଯୁବକ ରେ, ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଭଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇ ରୋଜଗାର ପଇସା ଧରି ଆସୁଛି ତାରି ପୁରକୁ। କାହିଁକି କନ୍ଦର୍ପର ପଞ୍ଚମାଣ ତା ଦେହରେ ଘାରିଛି, ସେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ସିଏ ହଉଛି ଏକ ବେଶିଆ ନାୟିକା। କନ୍ଦର୍ପ ଘାରିଲେ ପୁରୁଷ ହଉ ବା ନାରୀ ହଉ କେମିତି ଲାଗେ କିରେ? କହିଲେ ଅନ୍ମାତ ପରୁତୁ ତୋରଣ କନ୍ଦପ ପଞ୍ଚବାରେଣ ଅନାଦି ଅନରୂପଶ୍ଚ ଦେବସ ଦେହ ଧାରି ତାହା। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜଳିଗଲେ ମଣିଷ ଲାଗେ ରହିପାରେନି, ସେହିପରି ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତା ଘରୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଜି ହାତକୁ ପାତି ଦେଲା ଭୀମ, କହିଲା ବିଧାତା ରେ, ଇଏ ଯିବ ମହାଭାରତ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌରବର ଜୟ ହବ କି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜୟ ହବ, ଇଏ କୁଚିତଟା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ନୁହଁ, ସେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧରେ କହିବ ମୋ କଥା? ନା 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 ନା, କହିଲା ବିଧାତାର ଭ୍ରମ ତୁଟୁ ନାହିଁ କାଳେ କାଳେ, ବିଧାତାର କମଳ କୁସୁମ ଫୁଟାଉଛି କଣ୍ଟା ହାଳେ, ଘର ଧରସି ରେ ମଣି ଘର ହୀନ ସୁକ୍ତ ଗଢେ ଦେଲା ଆମକୁ ତାର ମଣି। ବିଧାତାରେ ତୁ କଣ କଲୁ? ସହଦ ତୁରେ ଏଡେ ପାଗଳ, ତୁ ମତେ କହିଛୁ କରିବ? ହଉ ହଉ, ଏଇଠାରୁ ମୋର କଥା ରହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେବି, ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିବେ, ସେ ତ ରାୟ ଛୁଆ, ବାପା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ସରିଲା, ତାଙ୍କର କରଣ କାମ ଦେଖେଇବେ। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଲୋ ବହୁଳ ଏ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଏ ଭାରଦା ଚରିତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରଦା କିଏ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହବ ଭାରଦା କିଏ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଆସି ଏଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନା ନାୟିକା, ତାର ଗରାଖ ବା ତାର ରସିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା କହୁଛି। ତାହା ଦେଖି ଭୀମ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧେ ଠିକ୍ ଜାଗା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ତାହା ସେମାନେ କହିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ବିଚାର ହେବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର ମିଶ୍ର, ସିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।